तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। यहाँ आपके सामने है ये N160 और ये भी है N160। फिलहाल इसमें से ब्लैक वाली है N160 2024 मॉडल और जो ब्लू वाली है वो है 2023 मॉडल। और दोनों ही अपने आप में क्या अंतर है क्या नहीं, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार हैं तो, या वीडियो जैसी भी है तो। फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 160 cc की। ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 15.68 bhp का 8750 rpm पर और मैक्स टॉर्क 14.65 nm का है, वो है 6750 rpm पे। गाड़ी में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत पावरफुल इंजन के साथ में आता है। बस लोगों की जो दिक्कत थी वो थी आपका डिजिटल और एनालॉग का। ये यहाँ पे चाबी आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। 51.6 kmpl का माइलेज कंपनी कहती है कि इतना देती है। फिलहाल यहाँ पे आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर दिख जाता है इसके अंदर में। और फिर रियर फ्रंट का प्रोफाइल ये है। आपका जो फ्रंट ब्रेक है यहाँ पर 280 mm का यहाँ पे मिल जाता है आपको, डिस्क ब्रेक विथ ABS, और इसमें भी सेम चीज़ वही आ जाती है। और 17 इंच का जो है अलॉय व्हील के साथ में आती है। फ्रंट टायर इसका 100/80/17 का है और रियर में 130/70/17 का है। यहाँ पे ऑयल कूल्ड रेडिएटर लगा हुआ है जो कि दोनों गाड़ियों में बराबर आपको मिल जाता है, विथ यहाँ पे ट्यूबलेस टायर भी है। और ये यहाँ पे इंजन काउल है जो कि आपको सेम देखने को मिलता है। इंजन काउल की जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी मजबूत भी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। फिलहाल यहाँ पे गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 152 kg का है यहाँ पर और सीट हाइट 795 mm की मिल जाती है। E20 का अपडेट है यहाँ पे। टैंक में 14 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है। सीट बड़ी गजब की है इसके अंदर जो कि पिलियन और राइडर को बहुत ही आराम देगी। ये है इसका डिजिटल कंट्रोल पूरा, जहाँ पे ऑडोमीटर, टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, 10x10 नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉलिंग अलर्ट, SMS अलर्ट, सारी चीज़ें अब सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है जो अब आप किसी और गाड़ियों में खोज रहे थे कि काश ऐसी चीज़ पल्सर में होती। ग्रैब रेल वगैरह बहुत ही सॉलिड दिया गया है यहाँ पे, फेंडर वगैरह काफ़ी मजबूत है। फिलहाल ये है रेयर का टायर जो कि 130/70/17 का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसका साइज है डिस्क का 230 mm का यहाँ पर। दोनों ही गाड़ियों में सेम चीज़ है। और पीछे जो है मोनोसॉक सस्पेंशन दिया है और ये पिलियन के लिए काफ़ी मतलब स्ट्रांग और प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह दिए गए हैं जो यहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट इसमें नहीं मिलता बोथ गाड़ियों में, यानी कि जो 2024 अपडेटेड है। और यहाँ पे ये लोहे का है इसमें कोई नो डाउट। और गाड़ी बहुत ही गजब की लगती है गाइज। सामने से आपकी क्या राय है गाड़ी के बारे में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। सो गाइज यहाँ पर आपको अंडलबेरी एग्जॉस्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ये देखिए। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है 2-3 हज़ार रुपये सस्ती है और वो 2-3 हज़ार रुपये महंगी है। सिटी वाइज कितना है आप अपने शहर का रेट मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पे ये बटन देख रहा है जहाँ पर आप अपने पूरे डिजिटल मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर M लिखा हुआ है। बाकी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है और कौन कौन गाड़ी लेने वाला है या किसको ये गाड़ी पसंद है या किसने ले रखी है प्लीज़ वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। और पहले की तरह ही बस अभी चलूँगा, फिर मिलूँगा किसी और नई गाड़ी के अपडेट के साथ में। दीजिए तो उनको इजाज़त। टिल देन गुड बाय। जहाँ रहिए सेफ रहिए और मस्त सेफ राइडिंग करिए।